यूक्रेन में जब रूसी फौज कमजोर पड़ रही थी तो उस वक्त ईरान ने पर्दे के पीछे से रूस को अपने हजारों घातक कामिकेज ड्रोन दिए थे, जिनकी बदौलत रूसी फौज यूक्रेन में दोबारा वापसी कर पाई थी। ड्रोन्स के अलावा ईरान पर रूस को मिसाइलें और गोला बारूद सप्लाई करने का आरोप भी लगा था, लेकिन ईरान ने कभी सामने से इन्हें नहीं माना। और अब उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने रूस के कुर्स में यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए अपने 10,000 से ज्यादा सैनिक भेज दिए हैं, जिनकी पुष्टि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कर दी है। लेकिन इस सबके बीच एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है जो अमेरिका और इसराइल के लिए बहुत बड़ी आफत बन सकता है। वो ये है कि यूक्रेन की न्यूज एजेंसी की पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रूस ने अपने सहयोगियों को सुखोई SU-35S फाइटर जेट सप्लाई किए हैं और ये जेट्स अब तेहरान तक पहुंच चुके हैं और उसने ये हथियार ईरान से मिले ड्रोन और गोला बारूद के बदले में पेमेंट के रूप में दिए हैं। पिछले साल अप्रैल 2023 में रूस ने ईरान को 2 दर्जन यानी 24 सुखोई SU-35 लड़ाकू जेट्स देने का कॉन्ट्रैक्ट किया था। हालांकि इससे पहले ये जेट्स मिस्र खरीद रहा था क्योंकि मिस्र ने रूस के साथ $2 अरब की डील की थी, लेकिन बाद में मिस्र ने अमेरिका के डर से ये डील तोड़ दी थी। लेकिन मौके का फायदा उठाकर ईरान ने ये जेट्स रूस से खरीद लिए। लेकिन अब आसमान में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ईरान ने रूस के साथ नया करार किया है। दरअसल रूस ने ईरान को सुखोई 35 की मैन्युफैक्चरिंग तेहरान में करने का लाइसेंस दे दिया है। की पोस्ट के मुताबिक ईरानी पत्रकार हयाल मोआइजिन ने यह जानकारी दी है। हयाल के मुताबिक ईरान पहले से ही सुखोई 30 और सुखोई 35 जेट्स की असेंबलिंग के लिए एक प्लांट लगाने की तैयारी में है। हालांकि शुरुआती तौर पर ईरान को पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग सब सिस्टम्स उपकरण और अन्य उपकरण लोकल असेंबलिंग के लिए मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ इसराइल के मेजुजा टेलीग्राम के मुताबिक रूस ने ईरान को 72 सुखोई 35 जेट्स की मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस दिया है। हालांकि इस लाइसेंस के तहत कितने सुखोई 30 जेट्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे इस बात की अभी तक जानकारी सामने नहीं आई है। रिपोर्ट के मुताबिक ये पूरी डील 22 से 24 अक्टूबर 2024 को रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। लेकिन इस सबके बीच बड़ा सवाल ये है कि ईरान को सुखोई 30 और सुखोई 35 जेट्स मिलने से आखिर उसकी ताकत कितनी बढ़ जाएगी। तो आपको बता दें कि ये दोनों ही जेट्स बेहद ही ताकतवर है और इनके लोकल प्रोडक्शन से ईरान को हथियारों के लिए बाहरी कंपनियों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि सुखोई 30 और सुखोई 35 जेट्स सबसे ज्यादा एडवांस और बहुउद्देशीय जेट्स हैं। इन दोनों को ही रूस के सुखोई 27 से बनाया गया है। नाटो के पास ऐसे ही फ्लैंकर जहाज हैं। नाटो और रूस के जेट्स में कई ऐसे फीचर हैं जो एक जैसे हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा फर्क अलग अलग मिशन में इनका इस्तेमाल है। आपको बता दें कि सुखोई 30 जेट में 2 सीटें हैं। यह लंबी दूरी वाला जेट है जिसका इस्तेमाल कई तरह के मिशंस के लिए हो सकता है। यह कई तरह के मिलिट्री ऑपरेशंस में कारगर है। यह जेट हर मौसम में मिशन को अंजाम दे सकता है। वहीं सुखोई 35 जेट को सुखोई 30 से अपग्रेड करके बनाया गया है। इसका इंजन बेहद ही ताकतवर है। इसमें अपग्रेडेड इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम लगे हैं। इसमें मॉडर्न एवियोनिक्स है जिससे इस जेट को लंबी दूरी तक इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। यह एक बार में कई टारगेट्स पर निगरानी भी रख सकता है।